इस संसार में जीवन छूटा है और मृत्यु, जोर से बोलिए। जमुना जी पे गए कितने दिन हो गए? अब जमुना जी पे नहाने तो नहीं गए हो गए, क्योंकि जमुना जी का जल नहाने योग्य तो नहीं है। आगरा ने भी कोई कम गंदा नहीं किया जमुना को, दिल्ली ने कम अगर बहुत गंदा किया है तो आगरा का भी बहुत बड़ा हाथ है जमुना को गंदा करने में। आगरा में ऊपर से जब, अब तो एवरीडे जमुना जी के ऊपर से आना जाना होता है तो लगता नहीं कि जमुना जी के ऊपर से जा रहे हैं, लगता है। कभी आवाज उठाई कि जमुना साफ होनी चाहिए? उठाइए, कहां से उठाएं, काम से ही फुर्सत नहीं। धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, देश में नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। और एक दिन वो आएगा कि पानी के ऊपर ही लड़ाई होगी, जल के ऊपर ही लड़ाई होगी। और भारत में तो ठाकुर ने बड़ी कृपा करी थी, इतनी सुंदर सुंदर नदियां दे रखी हैं जो कि स्वयं भगवान के धाम में रहने वाली हैं, उनको यहाँ भेजा है कि जाओ भारतीयों को धन्य करो, और हमने अपने हाथों से उन्हें गंदा कर दिया है। और अभी भी उसको बचाने की कोई पहल हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी वहां से निकलेंगे तो कचरा उसी में डाल के जाएंगे, ठाकुर पूजा का सब उसी में डाल के जाएंगे, पूजा पाठ का सब उसी में डाल के जाएंगे, पॉलिथीन उसी में डाल के जाएंगे। हो सकता है कि मेरी बात पूरी समझ में ना आए, पर थोड़ी बहुत तो समझ लो। मिटाने में नहीं, बनाने में तुम्हारा नाम आना चाहिए। तो जमुना को भी संवारने में तुम्हारा नाम आना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब सदन चले तो सरकार को कहिए कि जमुना और गंगा इनके लिए जितना भी काम हो सके हमको करना चाहिए, क्योंकि ये रहेंगी तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी पार होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी।